बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पूर्णिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर जिला पुलिस के साथ यातायात पुलिस की भी तैनाती की गई है। इस बीच लॉकडाउन का जायजा लेने डीएम और एसपी सड़क पर उतर गए। इस दौरान माइकिंग के जरिए भी सभी से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया गया। और जो एग्जेम्प्टेड जो शॉप्स हैं, इसेंशियल सामग्रियों की जो दुकानें हैं और अनिवार्य कार्य से जो मूवमेंट है उसको छोड़कर बाकी सब कुछ को पूर्णतया बंद किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न जगहों पे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से मेरी अपील भी है कि ये जो लॉकडाउन है ये सबके जीवन की सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसमें सहयोग करें और जो सरकार के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया है उसका अक्षरशः पालन करें। कई बाजारों में भी आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, अभी किया जा रहा है। देखिए, बाजार में जो दुकानें हैं वो 100% बंद हैं और जो एग्जेम्प्टेड जो दवा दुकानें हैं जिनको छूट है वो खुली हुई हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में जो फल सब्जी या खाद्य सामग्री की दुकानें हैं उनको अलाउ किया गया है। 11 बजे के बाद वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ छिटपुट मामलों में मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसको जो यहाँ पे पुलिस बल है उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों ने वायलेशन देखा है, हम लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं। अपील करना चाहूँगा कि लोग पुलिस या प्रशासन को धोखा देके जो इधर उधर निकल रहे हैं वो समझ लें कि ये जो धोखा है वो खुद को दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये कभी भी किसी को लापरवाही के कारण अपने